remarkably thin design integrates its components so efficiently that it results in an astonishing 20% reduction in volume over the previous Air. MacBook Air now comes in four finishes: silver, space gray, a gorgeous starlight, and a stunning midnight. And yes, MagSafe is back for dedicated charging and peace of mind when you're plugged in. दोस्तों WWDC हो चुका है कंप्लीट। कल की रात में मैं पूरा रात भर WWDC को देखा। क्या क्या अपडेट है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत कुछ अपडेट है, बट आप लोग को पता होगा मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया था कि बहुत जल्दी आपको जो MacBook Air M1 को टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्दी आपको M2 देखने मिल सकता है, M2 MacBook Air देखने मिल सकता है। तो फाइनली कल की डेट में MacBook Air M2 हो चुका है रिलीज। क्या चेंजेस है, बैटरी लाइफ कितना दिया है, प्रोसेसिंग पावर में कितना फर्क पड़ेगा, GPU कितना है, CPU कितना है, RAM कितना दिया है, प्राइस क्या है, ये सारे जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। एंड तक देखना होगा, अच्छा लगेगा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना गाइज। तो चलिए, आपको पता होगा WWDC 6 से लेकर 10 जून तक होने वाला था। कल पहला इवेंट उसका हो चुका है और यहाँ पे आप लोग को सॉफ्टवेयर OS में बहुत सारा अपडेट देखने मिल रहा है। iPhone OS 16 भी देखने मिल गया, iOS 16 आ गया, Mac OS भी आ चुका है, iPad OS भी आ चुका है, Apple Watch OS भी आ चुका है। अलग सा एक वीडियो बनाऊंगा स्पेशली iPhone OS 16 के लिए, इसमें क्या चेंजेस देखने मिल रहा है। बहुत कुछ नया आया है, इतना भी अपग्रेड नहीं है, बट जितना भी आपको मिल रहा है वो सारे जानकारी देने वाला हूँ। बहुत जल्दी वीडियो आ जाएगा, बट इस वीडियो डेडिकेटेड फॉर MacBook। MacBook में क्या चेंजेस है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो फाइनली दोस्तों MacBook Air रिलीज हुआ था 2020 में, दो साल के बाद, लगभग दो साल मतलब 20 महीने के बाद यहां पे रिलीज हुआ MacBook Air M2। इंट्रोड्यूसिंग M2। कल की डेट में M2 इंट्रोड्यूस किया है और M2 के साथ यहाँ पे दो MacBook रिलीज किया है, MacBook Air 13 इंच एंड MacBook Pro 13 इंच। MacBook Pro में बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस देखने नहीं मिल रहा है ओनली प्रोसेसर को छोड़ के, बट MacBook Air में प्रोसेसर के साथ फिजिकली आपको बहुत कुछ चेंजेस देखने मिल रहा है। इसका प्रेडिक्शन मैंने पहले से भी बताया था, बहुत कुछ लीक्स एंड र्यूमर्स निकल के आ रहा था, वो सारे 100% सही है गाइज। जो भी मैंने आपको बताया था वो सारे सही है। देखिए, पहले मैं आपको बताया था MacBook Air रीडिजाइन हो रहा है, यहाँ पे जो कैमरा में अपग्रेड देखने मिल रहा है, डिस्प्ले में बेजललेस डिस्प्ले देखने मिल रहा है, कीबोर्ड में भी आपको नया देखने मिल रहा है, फिजिकली जो जैसे कि यहाँ पे कॉब मॉडल था वो एक मतलब फ्लैटन मॉडल यहाँ पे बना दिया है, जैसे इससे पहले MacBook Pro 14 एंड 16 इंच रिलीज किया था ना, ऐसा ही MacBook Air आ चुका है गाइज। जो प्रोसेसर को इंटीग्रेट किया है वो है M2, एप्पल की सिलिकॉन चिपसेट, ये सेकेंड जेन, और इसमें आपको 8-core CPU के साथ अप टू 10-core GPU ऑप्शन देखने मिल जाएगा। 8-core CPU, 8-core GPU वेरिएंट मिल जाएगा, 8-core CPU, 10-core GPU देखने मिल जाएगा। ये कितना फास्टर है M1 से, CPU की जो परफॉर्मेंस है लगभग 18% फास्टर फ्रॉम M1 से 18% फास्टर है। GPU की बात करें तो यहाँ पे 35% फास्टर है M1 से, क्योंकि M1 जो आया था वो 7-core GPU एंड 8-core GPU के साथ आया था, बट अभी M2 जो रिलीज किया है वो 8-core GPU एंड 10-core GPU की ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप 10-core GPU रह रहे हो तो हाइयर परफॉर्मेंस आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे आपको एक ही एक्सटर्नल डिस्प्ले देखने मिलेगा, 6K, अप टू 6K डिस्प्ले एक एक्सटर्नल डिस्प्ले यूज कर सकते हो। और यहाँ पे जो मेमोरी दिया जा रहा है मतलब रैम दिया जा रहा है अप टू 24GB तक यहाँ पे अपडेट करने आपको मिल जाएगा, जैसे कि लास्ट टाइम 16GB तक ही मिला था, यहाँ पे 24GB तक आपको मिल जाएगा।
और यहाँ पे जो रैम की रीड एंड राइट स्पीड वो 100 GBPS तक रखा गया है। M1 से ये 50% हायर स्पीड के साथ आपको रीड एंड राइट स्पीड देखने मिलेगा। यहाँ पे अगर आप एडिटिंग पर्पज के लिए ये डिवाइस लेना चाहते हो तो यहाँ पे मीडिया इंजिन 8 के H.264 तक आपको वीडियो डिकोड एंड एनकोड इंजिन देखने मिल जाएगा। डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे वही लिक्विड रेटिना डिस्प्ले देखने मिल रहा है, बट डिस्प्ले की साइज थोड़ा बड़ा किया जा रहा है। जैसे कि मैकबुक एयर M1 वो 13.3 इंच डिस्प्ले था, बट ये अभी एक्सटेंड किया गया है 13.6 इंच को, थोड़ा बड़ा किया गया है क्योंकि यहाँ पे आपको बेजल बहुत कम देखने मिल रहा है। कैमरा की बात करें तो यहाँ पे आपको फुल HD 180p कैमरा देखने मिल रहा है गाइज। फिजिकली बॉडी की बात किया जाए तो वर्ल्ड में सबसे थिनेस्ट लैपटॉप है और बेस्ट सेलिंग लैपटॉप एप्पल दावा कर रहा है, मैं नहीं बता रहा हूँ। और हाँ, बहुत ज़्यादा बिकता है और इस बार जो रीडिज़ाइन किया है मतलब एक प्रोफेशनल लैपटॉप के तरह दिख रहा है। और पोर्ट्स की बात करें तो आपको 2 थंडरबोल्ट पोर्ट देखने मिलेगा, उसके साथ यहाँ पे मैगसेफ इंटीग्रेट किया जा रहा है। इससे पहले जो ऐसे कि पहले तो था मैगसेफ, बीच में हटा दिया था, उसके बाद 14 इंच एंड 16 इंच में मैगसेफ आ गया था। इस साल एयर में भी आपको मैगसेफ देखने मिल रहा है, उसके साथ 3.5 mm की ऑडियो जैक भी मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारा पोर्ट्स देखने नहीं मिल रहा है, जैसे कि HDMI, कार्ड रीडर स्लॉट, USB टाइप, ये सारे नहीं देखने मिल रहा है, बस इतने में आपको काम चलाना पड़ेगा। लास्ट में आपको प्राइस की बताऊं तो यहाँ पे इससे पहले मैंने बता दिया था आपको जो मैकबुक एयर आने वाला है M2 वो प्राइस हाइक देखने मिलेगा गाइज। ऐसे वैसे प्राइस हाइक नहीं मिला है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है आपकी प्राइस में। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ एक वीडियो, क्या आपको M2 के साथ जाना चाहिए एयर मॉडल में या फिर आपको M1 ही अभी खरीद लेना चाहिए, वैल्यू फॉर मनी कौन सा होने वाला है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए इसका प्राइस की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 वेरियंट मिल रहा है, 8 कोर CPU 8 कोर GPU के साथ, 8 कोर CPU 10 कोर GPU के साथ। जो 8 कोर CPU 8 कोर GPU के साथ जिसका प्राइस है 1,19,900, लगभग 1.2 लाख, 1,20,000 आपको पे करना होगा अगर आप मैकबुक एयर M2 बेस वेरिएंट ले रहे हो। और जो स्टोरेज मिलेगा वो 256 GB ही मिलेगा। नेक्स्ट अगर बात करें इसका अपर वेरिएंट की, यहाँ पे 8 कोर CPU 10 कोर GPU और 8 GB रैम आपको मिलेगा बेस मॉडल में। आप रैम एक्सटेंड कर सकते हो बट उसका प्राइस अलग लगेगा। और इसका जो प्राइस होने वाला है 1,49,900, लगभग 1.5 लाख। क्या आपको खरीदना चाहिए ये मॉडल? 1.5 लाख देके मैकबुक एयर आपको खरीदना चाहिए या 1.8 लाख देके आपको मैकबुक प्रो 14 इंच खरीदना चाहिए? तो आप जरूर बताना कौन सा मॉडल आप सोच रहे हो, क्या आपको मैकबुक एयर M2 के साथ जाना चाहिए या M1 के साथ जाना चाहिए। आप पहले मन बना लीजिए, उसके बाद मेरा कंक्लूजन और एक वीडियो में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, इसके रिगार्डिंग इतना ही था, बहुत सारा अपडेट आया है और भी वीडियो मुझे बनाना है। आईफोन के ऊपर बहुत अच्छे अपडेट निकल के आ रहा है गाइज, मैं जो आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद। अभी के अभी लाइक देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं।